सो आपने वो कहावत तो सुनी होगी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ, ये बात उसके लिए बिल्कुल शूट करती है। आज ही इस मूवी का ट्रेलर आया है, जिस मूवी का नाम है कहानी रबड़ बैंड की। तो बड़ा ही अश्लील और वल्गर सा नाम है ये। नाम से आपको पता लगा चुका होगा कि ये मूवी बच्चों के लिए नहीं है, तो बच्चों को लेके मत जाना। हाँ, आप बड़े हैं, आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, तो उनके साथ जाके इंजॉय कर सकते हो। देखिए, सस्ती मूवी को ना हिट करने का एक फार्मूला होता है कि नॉर्मली जिस बारे में लोग बात करने में हिचकते हैं, यानी ऐसे टॉपिक जिसके बारे में बात नहीं करना चाहते, उन टॉपिक्स को उठाओ, थोड़ा मिर्च मसाला कॉमेडी डालो, थोड़ा सेक्स जोक्स डालो और मूवी को चला लो। तो इस मूवी में प्रतीक गांधी हैं, जो बेसिकली हर्षद मेहता से काफी पॉपुलर हो चुके। वहाँ पे इन्होंने शेयर मार्केट का स्कैम किया था और यहाँ पे ये कॉन्डम का स्कैम करने वाले हैं। तो प्रतीक गांधी बेसिकली इस मूवी में कॉन्डम सेल करने वाले हैं और हर कोई इस बात के पीछे इनका मजाक बनाता है। और जिस कॉन्डम को वो बेचते हैं उसका नाम बेसिकली रबर बैंड रखा गया है। इस मूवी में एक्टर मनीष भी है, जो हर काम को गड़बड़ करते हैं, हर थैली को फाड़ देते हैं, स्कूटर के हैंडल को बिगाड़ देते हैं, यानी कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाते। तो थर्ड कैरेक्टर है बालिका वधू। अब वही बालिका वधू जिसको कभी आपने सीरियल्स में देखा है, छोटी सी बच्ची जिसकी शादी हो जाती है, वही बालिका वधू की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये एकदम से बड़ी हो चुकी है और मैं सोच रहा हूँ ये बड़ी कब हुई। सो मूवी में डेफिनेटली इन्होंने अच्छा काम किया होगा क्योंकि एक अच्छे एक्टर हैं ये, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक हीरोइन वाली फीलिंग मुझे तो नहीं आ रही। बाकी मूवी देखने के बाद क्या पता ये जो माइंड सेट है ये चेंज हो जाए मेरा। फिर मूवी में ना कुछ क्रिंज से और छप्पी स्टाइल के ना डायलॉग डाले हुए हैं। हीरोइन बोलती है उधार देते हो, और वो बोलती है उधार में दिल मिलेगा। तो सीरियसली यार, 2022 में आ चुके हैं हम और अभी भी अगर हमारे बॉलीवुड में ये डायलॉग्स चल रहे हैं, और ऐसे ही डायलॉग ब्रह्मास्त्र में भी थे, तो अगर ऐसे डायलॉग्स चल रहे हैं तो भाई हमारा भविष्य उज्जवल नहीं है। फिर उसके बाद सीधे इनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद माँ बाप बच्चे का प्रेशर डालने लग जाते हैं कि कब बच्चा करोगे, कब बच्चा करोगे। और वहीं पे मनीष प्रतीक से रबड़ बैंड यानी कॉन्डम खरीदता है और उसके बाद वो कॉन्डम, जैसे मनीष की आदत है कि कुछ भी फाड़ देता है तो वो भी फट जाता है और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। प्रतीक कोर्ट केस करता है और वहीं पे कोर्ट केस में अजीब अजीब सी बातें होती हैं कि 27 बार किया 28 बार किया, मोदी जी ने मेक इन इंडिया किया, क्या हुआ था रात को। तो मतलब बहुत सारी खिचड़ी पका दी है इन्होंने और डेफिनेटली ट्रेलर देख के तो मजा आता है। और ये मूवी 14 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। अब मैं इन शॉर्ट ट्रेलर की बात करूं तो काफी ना ट्रेलर सिंपल रखा गया है, सिंपली आपको स्क्रिप्ट बता दी है कि मूवी का कंटेंट है क्या, मूवी की स्टोरी क्या है। लेकिन एक बात है कि ना कहीं मूवी में ना एक सीरियल टाइप की फीलिंग आ रही है। बेसिकली ये सीरियल वाले एक्टर हैं और जो कलर ग्रेडिंग है या फिर आप सिनेमाटोग्राफी वगैरह हर चीज को देखो तो वो कहीं ना कहीं सीरियल वाली बेसिक फीलिंग दे रहे हैं। और मैंने देखा है कि यार इस तरह की मूवीज ना बेसिकली तुक्का ही होती है, चल जाए तो चांद तक, ना चले तो रात तक। देखिए कॉमेडी कॉमेडी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात है कि कपल जागरूकता के लिए इस मूवी को डेफिनेटली आप देखने जा सकते हैं। अभी तो फिलहाल मेरा इस मूवी को देखने का मन नहीं है, बेसिकली थिएटर में देखने का मन नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली इस मूवी को देखने जाऊंगा और आपको मूवी देख के इसका रिव्यू पक्का करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को खत्म करते हैं और देखिए अच्छी लग रही है वीडियो तो सब्सक्राइब करो। आदि पुरुष हो गया, ब्लैक पैंथर हो गया, सबकी मैंने वीडियोस बनाई है, उनको भी जाके देख लो।